हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेनिंग क्वारी पर। और आज की ट्रेन जानकारी में मैं आपको कुछ नई ट्रेनों का संचालन, कुछ ट्रेनों का स्पीड अप, कुछ एडिशनल स्टॉपेज तथा कुछ ऐसी ट्रेनों के बारे में बताऊंगा जिन्हें रूट ब्लॉक के कारण डाइवर्टेड या कैंसिल किया जा रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेलवे की कोई लेटेस्ट अपडेट या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना। और पहला जो एडिशनल स्टॉपेज की बात करता हूँ, बांद्रा टर्मिनल्स भिवानी और भिवानी से बोरीवली समर स्पेशल, जिसके 7 फेरे ये समर स्पेशल के रूप में लगाने वाली है। इस ट्रेन का रेवाड़ी से भिवानी के बीच में चढ़ने वाली कोसली और चरखी दादरी रेलवे स्टेशन पर अप और डाउन डायरेक्शन में जो टाइम टेबल है वो रेलवे ने अप्रूव कर दिया। अब ये ट्रेन इन दोनों स्टेशनों पर ठहराव करेगी। अगली रेल अपडेट जो है वो NER यानी गोंडा जंक्शन में जून के फर्स्ट वीक में यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य कारण जो है कौन कौन सा रेल ट्रैफिक जो है उत्तर पश्चिम रेलवे का प्रभावित रहने वाला है। उसमें पहली ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद कैंसिल रहेगी, जबकि उदयपुर सिटी से न्यू जलपाईगुड़ी भी कैंसिल रहने वाले, जिसकी डेट आप लास्ट कॉलम में देख सकते हैं। इसी प्रकार 14, 19, 409 और 10 जो कि अहमदाबाद से गोरखपुर के बीच में चलती है, ये ट्रेन भी जो है वो गोमती नगर से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। गोरखधाम एक्सप्रेस और लालगढ़ दिब्रुगढ़ अवधसाम एक्सप्रेस को 4 व 2 घंटे रेशेड्यूल करके चलाया जाएगा। अगली जो पार्सल कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट आप देख रहे हैं, जोधपुर से हिसार, दिल्ली से जोधपुर सालासर एक्सप्रेस, हावड़ा जोधपुर, जोधपुर बठिंडा और इंदौर जोधपुर अमतंबोर एक्सप्रेस, ये खरिया खंगार और पिपार रोड के बीच में मेड़ता जोधपुर डबलिंग के कारण जून के लास्ट वीक में जो ब्लॉकेज लिया रहा है इसके कारण है। फुल कैंसिल ट्रेनों में जोधपुर रेवाड़ी है, जोधपुर जयपुर हाईकोर्ट एक्सप्रेस है, जबकि जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस है। इसी प्रकार लास्ट में जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये रूट डाइवर्टेड ट्रेनें हैं। जोधपुर से बीकानेर आने वाली कुछ ट्रेनों को लालगढ़ फिरोदी के रास्ते, जबकि अजमेर जयपुर के रास्ते चलने वाली ट्रेनों को मारवाड़ जंक्शन फुलेरा के रास्ते डाइवर्टेड किया गया। लिस्ट स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं। अगली रेल अपडेट, कोटा इटावा कोटा मेल एक्सप्रेस ट्रेन 21/5/2022 दोबारा चलाई जा रही है। गाड़ी संख्या 19811 और 12 को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। कोच कंपोजिशन 13 कोच का रहने वाला है और ये ट्रेन डेली चलेगी। ये ट्रेन जो है वो कोटा से अंता, बारा, अटरू, गुना, रूंथियाई, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड के रास्ते इटावा के बीच में चलने वाली है, जिसकी टाइम टेबल जो है वो आप स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं। इस ट्रेन को अब जो है वो एंड टू एंड जो है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलाया जाएगा और ये ट्रेन जो है वो डेली सर्विस रहेगी, रिजर्वेशन की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। अगली दो अपडेट जो बताता हूँ, पहली अपडेट साउथ वेस्टर्न रेलवे में लगभग 9 ट्रेनों को जो स्पीड अप किया गया है, तो कुछ ट्रेनों के अराइवल और डिपार्चर टाइम में चेंजेस है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और लास्ट ट्रेन अपडेट में जो है वो साउदर्न रेलवे यानी दक्षिण रेलवे के द्वारा 8 नई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में किया जा रहा है, जिसको आप स्क्रीन को स्लो डाउन करके या पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से संबंधित कोई इंक्वायरी या सुझाव तो आप मुझे कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेलवे से संबंधित ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे रेलवे किसी नई अपडेट में। जय हिंद।